सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में अपना एक नया टॉपिक डीसी मशीन का। उसका नाम है कम्यूटेशन। ठीक है, सो कम्यूटेशन को पढ़ने से पहले कम्यूटेशन में क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशन है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं सबसे पहले। तो देखिए क्या है कम्यूटेशन को जब हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में तो कम्यूटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। कम्यूटेशन तो सबसे पहले कम्यूटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको डिस्कस करता हूं मैं। प्रॉब्लम्स इन कम्यूटेशन, इन कम्यूटेशन। ठीक है बेटा, यहां तक जो पहली प्रॉब्लम है कम्यूटेशन की वो बहुत जानी पहचानी चीज है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन ये है ना आपके टॉपिक में, सिलेबस में सब कुछ है ना बेटा। सो कम्यूटेशन जब हम पढ़ेंगे तो यानी कि कम्यूटेशन को जो चीज खराब करती है, पूर करती है, डिलेड करती है, उसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। सो प्रॉब्लम कॉज्ड बाई आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम है। आर्मेचर रिएक्शन प्रॉब्लम कॉज्ड बाई आर्मेचर रिएक्शन। पहली प्रॉब्लम क्या है जो आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ MNA. What is that MNA? Magnetic neutral axis. The first problem created by the armature reaction is called shifting of MNA. The second problem is flux weakening problem. Flux weakening problem. ठीक है बेटा यहां तक। अब अगर मैं इनकी बात करता हूं कि solution, अगर मैं बात करता हूं कम्यूटेशन की problem है आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्शन की ये दोनों प्रॉब्लम है तो इनका जो सोल्यूशन है वो क्या है देखते हैं। तो इसका बेटा जो सोल्यूशन है आपका सोल्यूशन जो शिफ्टिंग ऑफ एमएनए का सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं ब्रश शिफ्ट। ठीक है बेटा यहां तक सोल्यूशन ही हो गया। अब जो फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है यहां पर सोल्यूशन इसको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है बेटा यहां तक क्लियर है। शॉर्ट में अगर आप बुक्स में देखोगे तो CW लिखा मिल जाएगा आपको, क्लियर है। सो कम्यूटेशन की पहली प्रॉब्लम है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन की दो प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एंड द फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम। और उनके सोल्यूशन क्या है, ब्रश शिफ्ट और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो आपका सिलेबस में क्या क्या मिला, कम्यूटेशन पढ़ोगे, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ोगे, ब्रश शिफ्ट पढ़ोगे या शिफ्टिंग ऑफ एमएनए पढ़ोगे, प्लस फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम पढ़ोगे, उसका सॉल्यूशन क्या दोगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। क्लियर है यहां तक। जो दूसरी प्रॉब्लम है आपकी वो क्या है, LdIdt वोल्टेज। इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंस वोल्टेज। बट ये ध्यान रखना अभी टेंशन नहीं लेने का है क्योंकि जब हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो हर चीज की डिटेल भी निकल के आएगी क्योंकि एक साथ मैं सबकी डिटेल नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं पहले कम्यूटेशन पढ़ाऊंगा तो मैं कम्यूटेशन को डिटेल में स्टडी करूंगा, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो आर्मेचर रिएक्शन को, ऐसे जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा तो उसकी डिटेल मैं वहीं दूंगा। बट इस लेक्चर में सिर्फ बता क्या रहा हूं कि कैसे कम्यूटेशन को चीजें होने से रोकती हैं, कैसे पुअर कम्यूटेशन होता है, कैसे अंडर कम्यूटेशन होता है, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड प्रॉब्लम जो कम्यूटेशन में क्रिएट होती है उसका क्या नाम है आपका, LdIdt वोल्टेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंस वोल्टेज। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है बेटा Interpole winding। क्लियर है यहां तक। तो जो सेकेंड प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग। अब अगर मैं बात करता हूं जो शिफ्टिंग ऑफ MNA है या जो ब्रश शिफ्ट है वो इन जनरल यूज नहीं करते हैं, तो अगर कम्यूटेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन है, कम्यूटेशन कंप्लीट सोल्यूशन, अगर मैं कम्यूटेशन को सही करना चाहता हूं और उसमें कंप्लीट सोल्यूशन देना चाहता हूं तो सबसे पहला सोल्यूशन है हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। प्लस दूसरी प्रॉब्लम क्या है, LdIdt वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड, उसका सोल्यूशन क्या है, इंटरपोल वाइंडिंग। सो द कंप्लीट पैकेज और सोल्यूशन
फॉर द कम्यूटेशन इज व्हाट द कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्लस द इंटरपोल वाइंडिंग। क्लियर है यहां तक? तो हमें जो लेक्चर की सीरीज है उसमें क्या क्या पढ़ना है, कम्यूटेशन पढ़ना है, आर्मेचर रिएक्शन पढ़नी है, शिफ्टिंग ऑफ एमएनए पढ़ना है, ब्रश शिफ्ट पढ़ना है, फ्लक्स वीकनिंग पढ़ना है, दैट इज इसका सॉल्यूशन क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, रिएक्टेंस वोल्टेज दैट इज आल्सो कॉल्ड एलडीआई बाय डीटी वोल्टेज, एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, इंटरपोल वाइंडिंग। तो इतने सारे जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हैं। क्लियर है यहां तक? अब मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन को भी हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं कम्यूटेशन की डेफिनेशन दूंगा, फिर मैं कुछ एग्जांपल समझाऊंगा, उसके ड्रॉबैक समझाऊंगा, कितने टाइप के कम्यूटेशन होते हैं, कैसे हम कम्यूटेशंस को इंप्रूव करते हैं, ये सारी चीजें मैं पॉइंट की फॉर्म में पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कम्यूटेशन। स्टार्ट करते हैं कम्यूटेशन की डेफिनेशन। तो सबसे पहला पॉइंट जो कम्यूटेशन में है वो क्या है, आपकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को देखिए बेटा हम लोग, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सल ऑफ करंट इन आर्मेचर क्वाइल्स विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड कम्यूटेटर। ये तो पहली डेफिनेशन हुई, ठीक है। सो कम्यूटेशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सल ऑफ करंट इन द आर्मेचर क्वाइल विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड कम्यूटेटर। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं यहां पर, एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपकी करंट जो है वो प्लस आईसी है एंड इट इज चेंजिंग टू माइनस आईसी इन ए पर्टिकुलर इंटरवल द करंट इज प्लस आईसी एंड इट इज गोइंग टू माइनस आईसी इन पर्टिकुलर इंटरवल, दैट इज कम्यूटेशन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन। सिंपली कम्यूटेशन क्या है, कम्यूटेशन में जो आर्मेचर क्वाइल्स में करंट है वो प्लस आईसी से माइनस आईसी चेंज होती है, और जिस ड्यूरेशन में चेंज होती है उस ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन टाइम। अभी कैसे होता है उसको समझाने के लिए मेरे को कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे, वो अभी मैं समझाता हूं। तो ये डेफिनेशन पहली ओके है बेटा, ठीक है। अगर दूसरी डेफिनेशन आप लोग देखना चाहें तो देखिए क्या है, कम्यूटेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी वोल्टेज एंड करंट। क्या लिखा है मैंने, कम्यूटेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी वोल्टेज एंड करंट एट रोटर इनटू डीसी वोल्टेज एंड करंट एट आर्मेचर टर्मिनल, ठीक है। क्या मतलब है इसका बेटा, जो हमारे आर्मेचर में एसी वोल्टेज और एसी करंट डेवलप्ड हुआ है उसको डीसी वोल्टेज और डीसी करंट में चेंज करने के प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन होगी, दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हैं। अब इन दोनों डेफिनेशनों को समझाने के लिए मैं एक इजी सा एग्जांपल ले रहा हूं और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम ले रहा हूं जिससे दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जांपल देखिएगा बेटा आप लोग, अब मैं एक जनरेटर ले रहा हूं। तो जनरेटर में सबसे पहले हमारे पास है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को शो करने का तरीका आपको पता ही है, दैट इज शोन बाय द टू पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है बेटा यहां तक। नाउ दीज नॉर्थ एंड साउथ पोल विल गिव ए यूनिफॉर्म स्टडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा यहां तक। Now, this is a steady state magnetic field that is provided by what? Field flux. ठीक है यहां तक। आगे बढ़ते हैं,
यहां पे मैंने इसकी डायरेक्शंस को बना दिया है, दिस इज द फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स क्लियर है। आगे बात करते हैं, अगर यहां पर देखा जाए तो एक रोटर लेते हैं हम लोग, दिस इज योर रोटर, और रोटर के अंदर हम लोग कुछ कंडक्टर्स लेते हैं। तो मैंने यहां पर एक रोटर में एक ये कंडक्टर ले लिया है, और तीन एक साइड लेते हैं और तीन एक साइड लेते हैं, 1 2 3 ठीक है बेटा। ये लिया मैंने एक ब्रश यहां पर ले लिया, एंड अगर ये जनरेटर है देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटवर्ड, दैट इज टुवर्ड द व्हाट योर टर्मिनल, ठीक है बेटा यहां तक ना। अब अगर मैं यहां पर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज ले रहा हूं, रोटेशन को क्या ले रहा हूं, क्लॉकवाइज ले रहा हूं, देन हाउ आई कैन फाइंड द इंड्यूस्ड डायरेक्शन पोलैरिटी। तो अगर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल को हम लोग जनरेटर रूल बोलते हैं, तो मैं राइट हैंड रूल लगाता हूं, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉर्थ टू साउथ, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिंगर, एंड द स्पीड इज शोन बाय दिस थंब। सो अगर मैं इस वाले कंडक्टर पर देखता हूं तो स्पीड जो अप है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, सो जो नॉर्थ पोल के अंदर जो कंडक्टर्स हैं उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी बेटा, क्रॉस होगी, ठीक है यहां तक। सो ऑल दीज कंडक्टर्स आर हैविंग क्रॉस पोलैरिटी, क्लियर है। अब अगर मैं यहां की बात करता हूं, यहां पर जो साउथ पोल के अंदर कंडक्टर है उसमें स्पीड डाउनवर्ड है, स्पीड डाउनवर्ड है और बट मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सो स्पीड मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और स्पीड डाउनवर्ड है, तो इन सारे कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस पोलैरिटी का होगा, आउटवर्ड पोलैरिटी का। तो यहां पर हो गया बेटा ये आउटवर्ड पोलैरिटी का, क्लियर हुई है बात। तो ये तो हो गया आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हुआ है उसकी पोलैरिटी निकालने का तरीका। अब मैं एक चीज मार्क कर रहा हूं यहां पर, मैं क्या मार्क कर रहा हूं, मैं एक पार्टिकुलर कंडक्टर को ले रहा हूं, ये ए है और ये ए डैश है, ठीक है बेटा, और इसको मैं एक पोजिशन दे रहा हूं, दिस इज पोजिशन 1 and 1 डैश, ठीक है बेटा यहां तक। अब क्या होगा, जैसे ही ये जो आर्मेचर है वो मूव करेगा, दिस आर्मेचर विल मूव इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद ओमेगा स्पीड, क्लियर है। जब ये आर्मेचर कंडक्टर इस इंटरपोलर रीजन जहां पर ब्रश लगे हैं, जहां पर ब्रश लगे हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं, इंटरपोलर रीजन। जब ये आर्मेचर कंडक्टर इस रीजन को क्रॉस करते हैं तब ये कहां पे आ जाते हैं बेटा, यहां पे आ जाते हैं। तो एक पोजिशन हो गई यहां पर, दिस इज द पोजिशन। अब ये वाला कंडक्टर जो है बेटा यहां आ जाएगा ए, और ये वाला जो कंडक्टर है वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। जब ये जो कंडक्टर है या आर्मेचर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और इंटरपोलर रीजन को क्या करता है, क्रॉस करता है। तो पहले ए कंडक्टर में क्रॉस पोलैरिटी थी, बट अब जो है ए कंडक्टर में डॉट पोलैरिटी हो गई है, पहले ए डैश में डॉट था अब क्या हो गया है, क्रॉस। सो इट इज 2 डैश पोजीशन, क्लियर है। तो देख रहे हैं आप, जैसे ही जो कंडक्टर है वो इंटरपोलर रीजन को क्रॉस करता है तो जो कंडक्टर्स हैं उनमें करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब आप यहां पे देखिए, ए में क्रॉस थी, अब ए में क्या है, डॉट। सो द रिवर्सल ऑफ करंट, द रिवर्सल ऑफ करंट व्हेन द कंडक्टर crosses the interpolar region is called the commutation process, ठीक है। जब कोई कंडक्टर जो है इंटरपोलर रीजन को क्रॉस करता है तो इसमें अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर एक कंडक्टर में क्रॉस पोलैरिटी है, मैं इसको क्या ले रहा हूं, प्लस आईसी ले रहा हूं, जब ये इंटरपोलर रीजन को क्रॉस कर जा रहा है तब इसकी पोलैरिटी क्या हो जा रही है, डॉट हो जा रही है, तो ये क्या हो जा रही है, माइनस आईसी। सो करंट इज चेंजिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, प्लस आईसी टू माइनस आईसी व्हेन इट क्रॉसेस व्हाट, इंटरपोलर रीजन, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन की डेफिनेशन लगभग लगभग समझ में आई होगी, अभी भी अगर नहीं समझ में आई है तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपको एकदम 100% डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। एक मैंने बहुत इजी एग्जाम्पल लिया था कम्यूटेशन को समझाने के। अब अगर थोड़ा सा आपको और डिटेल में चाहिए कि कैसे करंट का रिवर्सल होता है, कैसे करंट प्लस आई से माइनस आई चेंज होती है, तो उसको मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। सो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने देखो क्या लिया है, इस एग्जाम्पल में मैंने एक 16 क्वाइल लिए हैं। कितनी लिए, 16 क्वाइल, ठीक है। अब एक क्वाइल के अंदर कितने कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, एक क्वाइल के अंदर दो कंडक्टर होते हैं, और यहां पर नंबर ऑफ क्वाइल्स कितनी मैंने लिए, 16। तो 16 क्वाइल के अंदर कितने कंडक्टर होंगे, 2 × 16 दैट इज 32 कंडक्टर, ठीक है बेटा। अब अगर आपको थोड़ा सा समझ में आता हो, अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ रखी हो जब मैंने पढ़ाई थी आर्मेचर वाइंडिंग के कॉन्सेप्ट,
सो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू कंडक्टर डिवाइड बाई टू. तो कंडक्टर कितने हैं? 32 और डिवाइड बाई टू, तो 16 कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे. देखो 16 कम्यूटेटर सेगमेंट दिख रहे. तो इस डायग्राम में मैंने क्या लिया है, मैंने एक 16 कम्यूटेटर सेगमेंट का एक कम्यूटेटर लिया है जिसपे पहले और आठवीं पोजीशन पे जो कम्यूटेटर सेगमेंट है वहां पर ब्रश लगे हैं और इन ब्रश पर जो है करंट कितनी इन हो रही है, 10 एम्पीयर करंट इन और आउट हो रही है, ठीक है. और 16 क्वाइल है, क्वाइल्स ये रही आपकी, ठीक है यहां तक. अब ये तो जो रहा डायग्राम, ये रहा आपका सर्कुलर व्यू. कैसा डायग्राम रहा ये? सर्कुलर व्यू है एक कम्यूटेटर सेगमेंट का. अब कैसे मैं इस डायग्राम से आपके जो कम्यूटेशन की डेफिनेशन है वो क्लियर करता हूं. देखिए अब मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम्स को जो सर्कुलर व्यू है इसको मैं लीनियर व्यू में कन्वर्ट करता हूं. ठीक, देखो बेटा. सो हम लोग क्या करते हैं, एक 16 सेगमेंट का एक लीनियर कम्यूटेटर बनाते हैं. ठीक है, लीनियर कैसे बनाएंगे, क्या करता हूं मैं, यहां से 1 से और 16 को ये वाला कट किया, देन वी विल एक्सपेंड दिस थिंग. ठीक है, सो ये रहा आपका, देखो फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13, 14, 15 एंड दिस इज योर 16 कम्यूटेटर सेगमेंट. अब देखो हमारा जो ब्रश थे वो कहां पर लगे हुए थे बेटा, ब्रशेस आर प्लेस्ड ऑन फर्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट एंड एट हेयर. सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस थिंग, यहां से 10 आउट हो रही है और यहां से 10 एम्पियर क्या हो रही है, करंट इन हो रही है. अब जरा समझिएगा आप लोग यहां से, ये रहा वाइंडिंग्स का अरेंजमेंट, ये रहा आपका वाइंडिंग का अरेंजमेंट. देखो कैसे वाइंडिंग बनती है, आपको देखना है कि कैसे ये वाइंडिंग के डायग्राम जो है आपके बन रहे हैं, ठीक है यहां तक. सो देखो बेटा ये रहा आपका वाइंडिंग का डायग्राम, कैसे बना रहा हूं उसको समझना है आपको. दिस वे, इन दिस फैशन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज द वे टू ड्रॉ दिस 16 क्वाइल और 32 कंडक्टर अरेंजमेंट, ठीक है ना. पहली क्वाइल का जो कनेक्शन है देखो किससे है, वो 16 से है, तो इन दोनों को मैं डॉटेड एंड से कनेक्ट कर दे रहा हूं. इन दोनों को जो है मैं डॉटेड तरीके से क्या कर रहा हूं, कनेक्टेड कर दे रहा हूं, ठीक है. अब जरा समझना कॉन्सेप्ट, अब जो है यहीं से स्टार्ट होने वाला. अगर मैं फर्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट की बात करूं तो यहां से 10 एम्पीयर करंट जो है इन हो रही है, सो यहां तक 10 एम्पीयर करंट आ रही है, ठीक है बेटा. अब ये 10 का अगर हम केसीएल लगा के देखें, दो पैरेलल पाथ अवेलेबल है, देन 5 एम्पीयर इज इन दिस सेक्शन एंड 5 एम्पीयर इज इन दिस सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है. सो ऑल दीज आर हैविंग 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर. अब एक जो 5 एम्पीयर है वो इस रास्ते से वापस आ रही है, 5 एम्पीयर, दिस इज कमिंग टू 5 एम्पीयर एंड 5 एम्पीयर, ठीक है बेटा यहां तक. तो यहां से 5 आ रही है, 5 इन, 5 इन, 5 इन, 5 इन, 5 इन, 5 इन, ठीक है. अब देखो यहां से भी 5 आ रही है करंट और इधर से भी 5 एम्पीयर करंट आ रही है, देन द टोटल करंट कमिंग टू दिस क्वाइल इज 10 एम्पीयर. सो 10 इज इन एंड 10 इज आउट, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं. अब मैं क्या कर रहा हूं, कंप्यूटेशन को समझाने के लिए मैं एक क्वाइल ले रहा हूं, ये वाली, ठीक है, सेकेंड क्वाइल. अभी यहां पर अगर मैं मार करता हूं तो इस क्वाइल में जो करंट है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है. अब जब कम्यूटेटर जो सेगमेंट है कम्यूटेटर मूव करेगा और मैं कम्यूटेटर के जो मूवमेंट की डायरेक्शन है ये मैं मान लेता हूं, मोशन इन दिस डायरेक्शन हो रहा है. अब क्या होगा बेटा, जो कम्यूटेटर बार है वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, बट द ब्रशेस आर फिक्स पार्ट, ब्रशेस आर फिक्स पार्ट. नाउ कम्यूटेटर्स आर मूविंग बट द ब्रशेस फिक्स. सो पहले ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट फर्स्ट पर जो ब्रश कनेक्टेड है, जैसे ही कम्यूटेटर बार जो है मूव करेंगे, कम्यूटेटर मूव करेगा, देन दिस ब्रश विल मेक कॉन्टेक्ट फर्स्ट एट द फर्स्ट बार, देन एट द मिड ऑफ दिस टू, देन एट द सेकेंड. ये कैसे होता है वही देखना था मेरे को, तो मैं 2-3 डायग्राम बना रहा हूं, जरा आप देखिएगा. सो 2 डायग्राम हम लोग बनाते हैं बेटा, ये रहा आपका पहला कम्यूटेटर सेगमेंट, ये दूसरा. अभी जो ब्रश है वो यहां पर लगा हुआ है, ठीक है. दूसरा डायग्राम बना रहा हूं मैं जहां पर जो ब्रश है वो इन दोनों के मिड में लगा हुआ है क्योंकि मोशन हो रहा होगा ना. तीसरे डायग्राम में बेटा जो ब्रश है वो फर्स्ट से कांटेक्ट छोड़ चुका है और दूसरे पर आ चुका है,
ये बात समझ में आ रही है आपको सभी को ना? ठीक है यहाँ तक, ये रहा। अब जरा हम वाइंडिंग्स के डायग्राम भी बना लेते हैं बेटा। सो ये रही आपकी वाइंडिंग्स, ये रही आपकी वाइंडिंग्स, ठीक है, ये रही आपकी वाइंडिंग। अब जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इन्हीं डायग्रामों में छुपा हुआ है, क्योंकि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम को पहले मैंने सर्कुलर व्यू में समझाया, फिर लीनियर व्यू, दैट इज कॉल्ड लीनियर व्यू बेटा, लीनियर व्यू, ठीक है यहां तक। अब लीनियर व्यू में से मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्या कर लिया, कट कर लिया, और मैं इस क्वाइल में करंट की डायरेक्शन को चेंज होते हुए देखना चाह रहा हूं कि कैसे करंट प्लस फाइव से माइनस फाइव हो रही है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन, ठीक है बेटा। यहां तक अब देखो, यहां से ये 10 एम्पीयर करंट आई, यहां तक 5 एम्पीयर चली गई, यही मैंने शो किया, और इस में 5 एम्पीयर यहां है। अब इसी सेक्शन पे मेरे को क्या करना है, फोकस करना है कि इस जो क्वाइल है, जो फर्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट पर जो क्वाइल कनेक्टेड है, उसमें जो करंट की डायरेक्शन है बेटा वो कहां है, दिस वे, ठीक है। अब जो ब्रश है दैट इज मेकिंग कॉन्टेक्ट विद द कम्यूटेटर सेगमेंट फर्स्ट, जब ये रोटेट करता है तो ये जो ब्रश का ब्रश है दैट इज फिक्स, बट द कम्यूटेटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तब ये कौन सी पोजिशन पर आता है, आधा पार्ट जो है कम्यूटेटर सेगमेंट फर्स्ट को कवर करता है और सेकंड वाले को क्या करता है, आधा कवर करता है। इसको बोलते हैं जो ब्रश इज शॉर्टिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट 1 and 2। अब जो ब्रश है दैट इज शॉर्टिंग द कम्यूटेटर 1 and 2, ठीक है यहां तक। अब ये शॉर्ट करता है तो शॉर्ट में वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया। जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी कितनी होगी बेटा, इसमें जीरो होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आईएससी आल्सो। अब जरा समझना है यहां पर, ठीक है। सो यहां से ये करंट जाएगी 10 एम्पियर एंड 5 एम्पियर बेटा इधर जाएगी और 5 एम्पियर इधर जाएगी, तो 5 एम्पियर तो देखो इधर चली गई, और जब 5 एम्पीयर इधर चली गई और 5 एम्पीयर इधर चली गई, ठीक है यहां तक, तो इस कॉइल में अभी करंट कितनी हो गई, 0 एम्पीयर। यानी कि जब जो ब्रश है पहले कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन को ब्रेक करता है और दूसरे की तरफ चलता है, तो इन दोनों को क्या करता है, शॉर्ट करता है, तब इस कॉइल में करंट पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई, देखो 5 एम्पीयर से एकदम कितनी हो गई, 0, ठीक है। अब इसने जब कम्यूटेटर बार और मूव किया तब जो ब्रश है वो फर्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट को कंप्लीटली छोड़ देगा और किस पर आ जाएगा, सेकंड पर आ जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं, यहां से ये रही 10 बेटा, 10 से एक करंट इधर चली गई 5 एम्पीयर और एक करंट इधर चली गई 5 एम्पीयर, ठीक है यहां तक। अब जरा पिक्चर को आपको इमेजिन करना है ध्यान से, पोजीशन जो 1 है, जो पोजीशन 1 है, पोजीशन सेकंड है और पोजीशन क्या है, थर्ड है। पोजीशन 1 में जो ये क्वाइल है, ये कोई एक्स क्वाइल है, इस एक्स क्वाइल में पहले करंट थी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जैसे ही कम्यूटेटर बार फर्स्ट और सेकंड को ब्रश ने शॉर्ट किया, करंट प्लस फाइव से कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही कम्यूटेटर बार फर्स्ट से कनेक्शन ब्रेक हुआ और सेकंड पर ये ब्रश जो है कनेक्टेड हुआ, करंट की डायरेक्शन देखो कहां से कहां चेंज हो गई, 5 एम्पीयर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, 5 एम्पीयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हुआ क्या, जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट से एक को लीव करता है और एक पर कनेक्ट होता है और इन बिटवीन दो कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या करता है, शॉर्ट करता है, तो करंट देखो कहां से कहां, प्लस फाइव से 0 और 0 से बेटा कहां हुई, माइनस फाइव हो गई, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन को मैं प्लस ले रहा हूं तो इस डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा, माइनस फाइव। तो आप देख रहे हो एक बार करंट पहले प्लस फाइव हुई, फिर 0 हुई और एक बार क्या हो गई, माइनस फाइव। सो द रिवर्सल ऑफ करंट प्लस फ्रॉम प्लस फाइव टू माइनस फाइव व्हेन द ब्रश बैंड द ब्रश इज शिफ्टिंग फ्रॉम द कम्यूटेटर सेगमेंट 1 to 2। और ये जो फिनोमेना होता है ये बहुत फास्ट होता है। तो अब कम्यूटेशन की अगर आप डेफिनेशन को फॉलो करें, कम्यूटेशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सल ऑफ आर्मेचर क्वाइल करंट फ्रॉम प्लस आईसी टू माइनस आईसी, क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ब्रशेस एंड द कम्यूटेटर सेगमेंट। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई, जो कम्यूटेशन की डेफिनेशन, कम्यूटेशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सल ऑफ आर्मेचर क्वाइल करंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ब्रशेस
एंड द कम्यूटेटर सेगमेंट व्हेन दे क्रॉसेस द इंटरपोलर रीजन। तो आपको देखो कैसे करंट प्लस से माइनस फाइव हो रही है या लेफ्ट टू राइट से कैसे राइट टू लेफ्ट हो रही है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गए यहां तक डेफिनेशन तक। तो एग्जाम्पल वन एक बहुत ईजी एग्जाम्पल था, जो एग्जाम्पल टू था उससे मैंने एक सर्कुलर व्यू से लीनियर पिक्चर और लीनियर पिक्चर से एक पर्टिकुलर क्वाइल को हमने कट किया और उस क्वाइल को जब हमने जज किया कि कैसे इसमें करंट चेंज हो रहे हैं, तो हमें समझ में आ गया कि ये जो ब्रश और जो कम्यूटेटर सेगमेंट है ये क्या करते हैं, करंट का रिवर्सल करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, कम्यूटेशन। ठीक है बेटा, यहां तक बढ़ते हैं आगे। सेकंड पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कम्यूटेशन का। पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था, डेफिनेशन दो तरीके से देख ली थी और दो एग्जाम्पल ये थे, एक इजी एग्जाम्पल और एक काफी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखा था, जिससे हमने कम्यूटेशन को समझा था कि कैसे करंट प्लस आईसी से माइनस आईसी चेंज होती है। नाउ सेकंड पॉइंट जो है हमारा है वो कम्यूटेशन पीरियड, कम्यूटेशन पीरियड। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, फिर हम लोग उसको समझेंगे कि कैसे ये कम्यूटेशन जो टाइम पीरियड है वो डिफाइन होता है। ना देखिए बेटा, हमारे जो जब हमने कम्यूटेटर बार फर्स्ट पर हमारा ब्रश था तो वहां करंट थी प्लस फाइव, वो प्लस आई सी। ठीक है, जैसे ही इस ब्रश ने फर्स्ट बार से कनेक्शन को छोड़ा और सेकंड बार वाले कनेक्शन से, जो सेकंड बार है उससे कनेक्शन को क्या करा, स्टार्ट किया, तब करंट एकदम क्या हो गई, जीरो हो गई, इट इज गोइंग टू जीरो। ठीक है यहां तक, दिस इज सपोज जीरो पॉइंट। अब जैसे ही इसने कम्यूटेटर सेगमेंट सेकंड से कनेक्शन स्टार्ट किया, ये करंट क्या हो गई, जीरो हो गई, और जैसे ही कम्यूटेटर सेकंड, जो कम्यूटेटर सेगमेंट सेकंड है उस पर आया तो करंट क्या हो गई, माइनस आईसी हो गई, माइनस आईसी। सो पहले करंट प्लस प्लस आईसी थी और करंट क्या हो गई, माइनस आईसी। सो इस प्लस आईसी से माइनस आईसी करंट होने में जितना समय लगा, उस समय को, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। अब मैं डिफाइन करता हूं कम्यूटेशन टाइम पीरियड, कम्यूटेशन टाइम पीरियड इज दैट टाइम इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम प्लस आईसी टू माइनस आईसी। ठीक है, सो कम्यूटेशन टाइम पीरियड दैट टाइम पीरियड इन विच द करंट चेंजेस फ्रॉम प्लस आईसी टू माइनस आईसी। ठीक है बेटा, अब ये तो डेफिनेशन होगी। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो देखो कैसे फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं। हमारे पास दो कम्यूटेटर सेगमेंट को लेता हूं, ये वन सेगमेंट है, ये सेकेंड सेगमेंट है, और इनके बीच में जो है माइका इंसुलेशन है जो कम्यूटेटर डिफरेंट कम्यूटेटर सेगमेंट को एडअप करता है। यहां पर जो ये सेगमेंट है, ये जो विथ है, इसको बोलता हूं मैं ब्रश विथ। क्या बोलता हूं बेटा, ब्रश विथ। ठीक है, क्लियर है। ये रही आपकी दिस विथ इज कॉल्ड माइका विथ, माइका विथ, डब्ल्यू ऑफ माइका। ठीक है, यहां तक ब्रश विथ हो गई, एंड सॉरी इट इज ब्रश विथ नहीं, ये तो मैं इसको बोलूंगा आपके कम्यूटेटर विथ। क्लियर है, इन दिस सेक्शन इट इज कॉल्ड माइका विद, और एक जो बड़ा सेक्शन है, दिस सेक्शन आई एम जस्ट टेकिंग एज द ब्रश विद। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम से देख रहे हैं तो ब्रश विद डब्ल्यू बी इज द ब्रश विद, दैट इज इक्वल टू व्हाट, द कम्यूटेटर विद प्लस द माइका विद। यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है। ठीक है, अब चेक करते हैं, पहले जो ब्रश था वो यहां पर था, then mid of these two, then starting of the second, clear है? जब ब्रश यहां पर था, at the first part था, then current is plus IC, दोनों को short कर दिया, then current is zero, और जब first को completely end कर दिया, leave कर दिया, then current is minus IC, clear है? यहां तक बात समझ में आ गई है, so बढ़ते हैं आगे। अब अगर मैं simple time की definition दूं, time क्या होगा, time is distance upon what, velocity, peripheral velocity। ठीक है बेटा, तो चेक करते हैं
जो टीसी समय में, टीसी समय में जो कम्यूटेटर है या ब्रश जो कम्यूटेटर है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, इट इज दिस डिस्टेंस ना, क्लियर है। सो आई जस्ट टेक कम्यूटेटर विद इज डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू एम। कम्यूटेटर ने जो समय, जो डिस्टेंस कवर किया, दैट इज व्हाट दी कम्यूटेटर पिच, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज व्हाट डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू एम डिवाइड बाई दी वेलोसिटी, क्लियर है। एंड डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन वी। सो द टाइम पीरियड और द कम्यूटेशन टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द कम्यूटेटर विद, कम्यूटेटर विद अपॉन द वेलोसिटी, अपॉन द वेलोसिटी, ठीक है बेटा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो कम्यूटेशन टाइम पीरियड आपका क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, उसका फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहां से देखूं टोटल चेंज इन करंट, टोटल चेंज इन करंट, टोटल चेंज इन करंट इन कम्यूटेशन टाइम पीरियड, अगर मैं टोटल चेंज इन करंट इन कम्यूटेशन टाइम पीरियड की बात करूं, सो फर्स्ट द करंट इज प्लस आई सी एंड इट इज चेंजिंग टू माइनस आई सी। सो इट इज वॉट आई सी माइनस ऑफ आई सी, सो इट इज वॉट टू आई सी। सो ड्यूरिंग द कम्यूटेशन द करंट इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस आई सी टू माइनस आई सी, दैट्स वाई द टोटल चेंज इन करंट इज वॉट टू आई सी, क्लियर है यहां तक। तो कम्यूटेशन टाइम पीरियड क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल। अब थोड़ी सी कम्यूटेशन टाइम पीरियड में बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के कम्यूटेशन है वो उसी को मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। देखो बेटा यहां पे कैसे दिखते हैं। सो थर्ड पॉइंट में ले रहा हूं डिफरेंट टाइप ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा वो मैं अभी बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कम्यूटेशन, क्लियर है। इफ द करंट इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस आई सी टू माइनस आई सी ग्रेजुअली, देन दिस कम्यूटेशन इज नोन एज व्हाट द आइडियल और द लीनियर और द स्टेट स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन। इफ The current is gradually changing from plus IC to minus IC, then it is known as the ideal commutation that is representing with the graph number one. ठीक है बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब दूसरे तरीके का जो कम्यूटेशन टाइम पीरियड है वो क्या है, और अब अगर मैं बात करता हूं इस ग्राफ का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज TC, ठीक है यहां तक। अब करंट जो है कभी देर में भी चेंज हो सकती है या डिले कर सकती है, और कुछ कभी करंट जल्दी भी चेंज हो सकती है। अगर करंट बहुत फास्ट तरीके से चेंज हो रही है देन दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द ग्राफ नंबर सेकंड एंड इट इज कॉल्ड ओवर कम्यूटेशन, ओवर कम्यूटेशन सेकंड। सो सेकंड टाइप का जो कम्यूटेशन टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड ओवर कम्यूटेशन, ओवर कम्यूटेशन। नाउ इसका जो टाइम पीरियड है मैं इसको मानना हूं टीसी सिंगल डैश, कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। थर्ड में लेता हूं, थर्ड में यहां से ले रहा हूं दैट इज दिस। नाउ एक्चुअली करंट जो होनी चाहिए थी माइनस आईसी चेंज होनी चाहिए बट इट इज नॉट चेंजिंग, सो करंट इज चेंजिंग अप टू दिस पॉइंट। नाउ This much is the required current to change, but we are changing only this current. So this current, this amount of current is called sparking current. Sparking current, ठीक है बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बताओ sparking current. And this third graph is known as under commutation, oblique delayed commutation and also known as the retarded commutation, clear yahan tak। So teen graph maine banaye hai, ek linear commutation, that's the graph number 1, second one is the over commutation and the third one is known as the under commutation
कम्यूटेशन। ठीक है बेटा, यहां तक इस ग्राफ का जो टाइम पीरियड है दैट इज टेकन एज टी सी डबल डैश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से यहां तक, ठीक है। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ कम्यूटेशन टाइम पीरियड, द टी सी, द फर्स्ट वन इज टी सी, देन इट इज टी सी सिंगल डैश एंड इट इज टी सी डबल डैश। ठीक है यहां तक बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं कि आइडियल कम्यूटेशन क्या होता है, ओवर कम्यूटेशन क्या होता है और अंडर कम्यूटेशन क्या होता है। नाउ इफ करंट इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस आईसी टू माइनस आईसी वेरी ग्रेजुअली, क्लियर है, देन इट इज नोन एज आइडियल कम्यूटेशन, क्लियर है। नाउ इफ करंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट फ्रॉम प्लस आईसी टू माइनस आईसी देन इट इज कॉल्ड ओवर कम्यूटेशन। बट ओवर कम्यूटेशन क्या होगा, इफ आप किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे करंट जो है पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा चेंज कराओगे, कम समय में चेंज कराओगे, देन देयर विल बी अ हॉट स्पॉट एट दैट सरफेस एरिया। क्योंकि कोई पर्टिकुलर एरिया है उसकी करंट डेंसिटी होगी कि वो पर यूनिट एरिया इतनी करंट को कैरी कर सकती है, बट कम समय में आप उसके पर सेंटीमीटर एरिया से ज्यादा करंट को ले जाओगे, देन दैट एरिया विल हैव सम हॉटस्पॉट, क्लियर है। सो ओवर कम्यूटेशन की एक प्रॉब्लम है कि उस पर्टिकुलर एरिया पर कुछ हॉटस्पॉट दिखाई दे सकते हैं। नाउ अंडर कम्यूटेशन क्या है, अंडर कम्यूटेशन क्या है, करंट को चेंज होना था प्लस आईसी से माइनस आईसी इन द इंटरवल ऑफ टीसी, बट इट विल टेक मोर टाइम टू चेंज करंट फ्रॉम प्लस आईसी टू माइनस आईसी। अब करंट क्या हो गई, प्लस आईसी से माइनस आईसी चेंज हो रही है बट बहुत ज्यादा समय ले रही है, तब क्या होगा। अब मैं इसको समझाता हूं आपको, यहां पर देखिए होगा क्या। अगर आपको ध्यान है जब हमारे पास दो कम्यूटेटर सेगमेंट लिए थे बेटा, मैंने यहां पर एक पहला लिया था, पहले ब्रश जो था बेटा यहां पर था, फिर ब्रश ने दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट को, अगर आपको याद हो, इट इज शॉर्टेड बोथ ऑफ दीज टू फर्स्ट एंड सेकेंड, देन इट इज देन इसने क्या किया था। सो अब ब्रश कहां पर आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, पहले जो ब्रश था वो कंप्यूटर बार वन पे था, फिर दोनों को शॉर्ट करता है, फिर सेकेंड कंप्यूटर सेगमेंट पे आ जाता है और फर्स्ट को क्या कर देता है, लीव करता है। अब होता क्या है, यहां पे करंट प्लस आईसी था, यहां पे जीरो हुआ, यहां पर एकदम माइनस आईसी हो जाना चाहिए, बट अभी करंट कंप्लीटली माइनस आईसी बेटा नहीं हुआ है। तब क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में कंप्यूटर सेगमेंट चल रहा है, जो नई कंप्यूटर बार आने वाली होती है, वहां पर क्या होता है, स्पार्किंग, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग एज जो है ब्रश का, उस पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है, क्लियर है यहां तक। सो अंडर कम्यूटेशन क्या क्रिएट करता है, स्पार्किंग। अब स्पार्किंग के दो कारण हैं, द अंडर कम्यूटेशन प्रोवाइड स्पार्किंग बिकॉज करंट इज कंप्लीटली नॉट चेंजिंग फ्रॉम प्लस आईसी टू माइनस आईसी इन टीसी टाइम, क्लियर है। अब इसके दो कारण क्या है, पहला कारण जो है वो है रिएक्टेंस वोल्टेज, फर्स्ट रीजन इज रिएक्टेंस वोल्टेज, और दूसरा रीजन क्या है, आर्मेचर रिएक्शन। तो ये दो कारण ऐसे हैं जो करंट को प्लस आईसी से माइनस आईसी टीसी इंटरवल में चेंज होने से रोकते हैं। इस वजह से जो ब्रश है उसके ट्रेलिंग एज पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है। जब स्पार्किंग होती है तो ब्रश और जो कम्यूटेटर सेगमेंट है उनकी लाइफ क्या होती, कम होती है, और कभी कभी यहां पर जो आग है वो लगने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ओवरऑल जो है कम्यूटेटर सेगमेंट, ब्रश और जो क्वाइल्स है उनकी लाइफ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर हुआ। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं यहां पे कंपैरिजन एस्टैब्लिश करूं कि जो टीसी है, टीसी डबल सिंगल डैश है, टीसी डबल डैश है, इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाऊं तो क्या होगा। यहां पर देख रहे हैं जो ओवर कम्यूटेशन है, इन दैट ओवर कम्यूटेशन करंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, दैट मींस करंट जो प्लस आईसी से माइनस आईसी चेंज हो रही है वो टीसी समय से जल्दी हो जा रही है चेंज, क्लियर है। तो सबसे छोटा जो टाइम पीरियड होगा बेटा वो क्या होगा, टीसी सिंगल डैश, ठीक है। उससे बड़ा क्या होगा, टीसी होगा, क्लियर है। और सबसे बड़ा क्या होगा, क्योंकि करंट यहां डिले हो रही है, करंट जो प्लस टीसी समय में नहीं, टीसी समय से कुछ ज्यादा समय में प्लस आईसी से माइनस आईसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड क्या होगा, टीसी टाइम। तो ये रहा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
कम्यूटेशन टाइम पीरियड, कम्यूटेशन टाइम पीरियड, ठीक है यहां तक। तो अगर सबसे अच्छा कम्यूटेशन की बात की जाए तो कौन सा है आपका? ओवर, बट ओवर कम्यूटेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है? अंडर कम्यूटेशन। इन जनरल अगर आप डीसी मशीन को पढ़ते हैं या देखते हैं, उनके साथ प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, देन करंट इज डिलेड बाय सम अमाउंट, देन दैट इज कॉल्ड अंडर कम्यूटेशन। तो जो प्रैक्टिकल कम्यूटेशन है वो कौन सा है आपका? अंडर कम्यूटेशन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से, पक्का है। तो यहां तक थर्ड पॉइंट तक मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कम्यूटेशन पढ़ा दिया, टाइम पीरियड पढ़ा दिया है, डेफिनेशन दे दी, एग्जाम्पल समझा दिया। अब हम फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपना।